हेलो मेरे फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूसाइंस क्लासेस में। आज थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम की वजह से वीडियो जो है आपको कॉपी पर देना पड़ रहा है। अगला वीडियो आपको वहीं पर मिलेगा। हम लोगों ने संबंध और फलन के 1.1 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आज पांचवा क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए। क्वेश्चन है कि यदि ए एक्स वाई तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है तथा समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर जो है, आर का मतलब रिलेशन L1 L2, ये पेयर, ये आर्डर पेयर हैं, L1 समांतर है L2 के, तो सिद्ध करना है कि आर जो है समुच्चय ए में एक तुल्यता संबंध है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ए जो है एक्स वाई तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है, तब ऐसे इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पर करने के लिए सबसे पहले आपको तुल्यता संबंध को प्रूव करने के लिए आपको तीनों संबंध प्रूव करने पड़ेंगे। स्वतुल्य करना होगा और इसको करना होगा आपको सममित करना होगा और संक्रमक करना होगा। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य की कंडीशन को लेते हैं। स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध क्या होता है, इसमें आपको ये शो करना होता है। तो जैसे L1 है तो यहाँ पर L1 belongs to R for all L belongs to A करना होगा। मतलब A में, A के एक्स वाई तलों में स्थित सभी रेखाओं के समुच्चय इसी के अंदर निहित हैं, ये चीज़ आपको प्रूव करना होगा। तो यहाँ से जब करेंगे L1 कामा L1, हम इस तरह से हमको प्रूव करना होगा। ये तो हमने कंडीशन लिखी, परिभाषा के हिसाब से हमने लिखा। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम। यहाँ से जब करना होगा आपको, तो यहाँ पर आप करोगे कि L1 जो है पैरेलल है L2 के, L1 जो है पैरेलल है L2 के। तो अब जब L1 पैरेलल है, पैरेलल का मतलब आप समझ रहे होंगे, ये इस प्रकार की कुछ कंडीशन इस प्रकार की होती है। तो अगर ये लाइन हम L1 मान लेते हैं, इस लाइन को हम L2 मान लेते हैं, और समान अंतर पर होती हैं इसलिए समांतर कहा जाता है इसको। तो क्या हम L2 को L1 के स्थान पर कर दें और L1 को L2 के स्थान पर कर सकते हैं आराम से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस इम्प्लाइज दैट L2 इज इक्वल टू L1, ये कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कर लेंगे कि इस चीज़ को ये क्या कर रहा है, ये इस चीज़ को संतुष्ट कर रहा है। तो ये चीज़ क्या है, ये सत्य है, ये जो लिखा है ये घटना कैसी है, ये सत्य है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह सतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ये कंडीशन आपकी थोड़ा संक्रमक सममित की भी थी, लेकिन यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि L1 इस प्रकार की जब कंडीशन आएगी तो यहाँ पर जो है ये आपका स्वतुल्य समुच्चय होगा। तो यहाँ पर दिया गया L1 समांतर L2 के होता है, क्योंकि प्रत्येक रेखा जो होती है कोण के क्या होती है, वो समांतर होती है, इसलिए स्वतुल्य संबंध हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट लेंगे सममित का, सममित के लिए हम लेंगे इसको। तो सममित के लिए देखिए कंडीशन क्या है। अगर हम क्या करें, यहाँ पर हम L1 L2 belongs to R relation और फिर L2 L1 belongs to R हो जाए, मतलब कि ये चीज़ आपको है कि L1 L2 बिलोंग कर रहा है R में और L2 L1 में भी बिलोंग कर जाए, तो यहाँ पर जो होगा ये आपका सममित संबंध हो जाएगा। तो यहाँ L1 जो है वो समांतर है L2 के, अभी जो मैंने यहाँ कंडीशन बताई थी आपको। तो अगर L1 L2 के स्थान पर इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कितना, L2 के स्थान पर हम L1 को भी लिख सकते हैं। तो जब इसको लिख लेंगे और ये जो क्या होते हैं, ये रेखा जो प्रत्येक रेखा के ये क्या होते हैं, ये समांतर होते हैं। तो L1 के स्थान, L1 समांतर है L2 के और L2 समांतर L1 के हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसके स्थान में परिवर्तन कर दें तो कोई इसमें अंतर नहीं आएगा। तो ये कंडीशन भी क्या है, ये सत्य है, ये कंडीशन सत्य है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह सममित संबंध है, यह सममित संबंध है। फिर अगला पॉइंट हमारा है संक्रमक संबंध, आपको प्रूव करना है संक्रमक। संक्रमक के लिए आपको क्या करना होगा, अब यहां पर आपको तीन कंडीशन लेनी होगी। इसका
परिभाषा से क्या होता है कि एल वन कामा एल टू बिलोंग्स टू आर, आर रिलेशन मतलब कि बिलोंग कर रहा है वो संबंध में। फिर यहाँ पर आपको हो जाएगा एल टू कामा एल थ्री बिलोंग्स टू आर, ये चीज़ आपको है गिवन। तब क्या होना चाहिए, ये रिलेशन एल वन कामा एल थ्री भी आपका अगर हो जा रहा है तब ये आपका संबंध जो है संक्रमक संबंध होगा। तो इसी को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो अगर हम इस संबंध से लेते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा L1 समांतर L2 के। अगर इससे जब करते हैं तो क्या हो जाएगा L2 समांतर L3 के हो जाएगा, L2 समांतर L3 के हो जाएगा। अब आपको क्या दर्शाना है कि ये चीज़ आपको दर्शाना है, यहाँ पर ये चीज़ मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूँ कि L1 समांतर L3 के है, ये चीज़ आपको प्रूव करना है। तो यहाँ से अगर हम लोग करें, जैसे एक लाइन ले लें हम L1 और ये लाइन हमने ले लिया L2, लाइन से समझ लेते हैं L1 समांतर है L2 के और यहाँ पर दिया गया कि L2 जो है समांतर है किसके, L3 के। तो ये देखिए आपके, अगर हम यहाँ से समझना चाहें तो यहाँ पर क्या है कि L1 समांतर हो जाएगी किसके, L2 के, और वो समांतर L3 के, यानी कि तीनों जो है आपस में समांतर हो जाएंगी। तो यहाँ से एक कंडीशन आपका बन जाएगा कि L1 भी समांतर होगा L3 के, L1 भी किसके समांतर हो जाएगा, L3 के। यानी कि जब ये चीज़ हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, संक्रमक संबंध हो जाएगा। ये कैसा संबंध हो जाएगा, संक्रमक संबंध हो जाएगा। जब ये तीनों चीज़ें प्रूव हो जाती हैं, सतुल्य सममित और संक्रमक संबंध प्रूव हो जाता है, तो ये संबंध कैसा हो जाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अब की बार इंटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास ट्वेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास ट्वेल्थ का वीडियो है, लेकिन इस साल 2023 के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि एन क्रॉस एन पर परिभाषित संबंध आर को संबंध कहते हैं, जहां ए कामा बी आर सी कामा डी, और दिस इंप्लाइज दैट ए डी इक्वल टू बी सी, तुल्यता संबंध है। इसमें भी आपको तुल्यता संबंध ही प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है ए कामा बी, यानी कि क्रमित युग या ऑर्डर पेयर, पेयर आर्डर भी कह सकते हैं, आर सी कामा डी, यानी कि ये भी क्रमित युग्म है, ये चीज़ आपको दिया गया है। तो इसको आप कुछ आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आर्डर पेयर या पेयर आर्डर ए कामा बी और सी कामा डी बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर रिलेशन, ये चीज़ आपको हो गया। अब यहाँ से जब आप करोगे, हम थोड़ी देर के लिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ अगर आपकी प्रूव हो जा रही है, ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी दिया गया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका सतुल्य समुच्चय हो जाएगा, सतुल्य संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करें, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ए डी हो गया, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका बी सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि इसको हमने पूरे को ए माना था, इसको बी माना था, तो अगर जैसे ए डी हो गया, ये बी सी हो गया, तो इसमें जो है ए डी हो गया और ये क्या हो गया, बी सी हो गया। तो इस चीज़ को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर ले रहा है। तो ये आपका एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये आपका स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि स्वतुल्य संबंध यहाँ से हम लोग वन मानते हैं, वन को स्वतुल्य संबंध ही मान के हम करेंगे। अगर स्वतुल्य संबंध की कंडीशन अगर है, स्वतुल्य संबंध हमको प्रूव करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध को प्रूव करने के लिए यहाँ पर आपको पता है कि आपका क्या होता है, ए ए बिलोंग्स टू, यहाँ पर एन एन है तो एन रखेंगे, सॉरी आर रखेंगे, हाँ रिलेशन में होता है, और फॉर ऑल आपका ये हो जाएगा ए बिलोंग्स टू एन, यहाँ पर एन क्रॉस एन है, तो ये कंडीशन होगी। तो ए कामा ए, यानी कि जो ये ऑर्डर पेयर दिया गया है रिलेशन का, तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन हमने प्रूव कर दिया है, तो ये हम कह सकते हैं कि सतुल्य संबंध सत्य है। इस घटना के लिए क्या है, ये सत्य है, तो ये क्या है, ये सतुल्य संबंध है, सतुल्य संबंध है ये। सेकंड पॉइंट लेते हैं, पॉइंट सेकंड,
यानी कि सम्मिश संबंध हमको प्रूव करना है। तो सम्मिश संबंध की परिभाषा क्या होती है, इस परिभाषा से अगर बात करेंगे तो ए यानी कि ऑर्डर पेयर यानी कि क्रमित युग सी कामा डी बिलोंग्स टू आर, तथा तब क्या होना चाहिए, तब यहाँ पर आपका होना चाहिए कि सी डी और ये आपका ए बी बिलोंग करे संबंध से यानी कि आर से। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन आपकी बन रही है, यहाँ पर ये कंडीशन बन रही है, तो अगर इससे हम लोग करेंगे सॉल्व, इस वाली कंडीशन से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या होगा, ए डी हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो बी सी हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको पता है कि टू इंटू थ्री करें या थ्री इंटू टू करें तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, सेम होती है। तो यहाँ पर हम चाहें तो ए डी है, तो ए डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी को हम लोग डी ए लिख सकते हैं, और इसको चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, सी बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आपका ए डी आ जाएगा और ये आपका बी सी आ जाएगा। तो यहाँ पर जब ये कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सी कामा डी और ए कामा बी बिलोंग्स टू आर हो रहा है इस कंडीशन के हिसाब से। तो जब ये कंडीशन आपकी प्रूव हो रही है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यह सत्य है, यह सत्य है, ये घटना क्या है, यह सत्य है और ये सम्मित संबंध है, यह सम्मित संबंध, सम्मित संबंध है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब हमें थर्ड पॉइंट लेकर चलना है, थर्ड पॉइंट लेकर चलना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है ए बी क्रमित युग्म और ये सी डी बिलोंग्स टू आर, ये चीज़ है। और आपने अभी सम्मित में जो प्रूफ किया उसको भी लिखिए सी डी। तो यहाँ पर हम एक अलग सा पॉइंट ले लेंगे, ये ए बी हमने मान लिया है, एक पॉइंट अलग से ले लिया, ई एफ को हमने ले लिया है बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पर तब हमें क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि ये और ये भी क्रमित युग्म ए डी और ई एफ बिलोंग्स टू आर होंगे, ये चीज़ आपको प्रूव कर देनी है, बस आपका संक्रमक संबंध हो जाएगा। तो यहाँ से आप करोगे लेट माना ए बी और सी डी बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पर हम लोग जरा इससे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, और जब इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अब यहाँ से ये चीज़ आपका हो गया है, अब यहीं से हम लोग थोड़ा सा इसको और सिस्टमेटिक कर लें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए और ये बी आपका नीचे आ जाएगा और यहाँ पर सी और अपान में डी, इसको हम इक्वेशन मानकर इसको छोड़ देते हैं, ये आपका हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर करेंगे हम, अब उसके बाद ये इक्वेशन हो गया है, अब उसके बाद जो ये आपका दिया गया है यहाँ पर, ये देखिए इससे बना लिया है, अब इससे बना लें सी डी और ई एफ से, सी डी और ई एफ से जब बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी एफ हो जाएगा इक्वल टू सी एफ हो गया और ये आपका डी ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ई हो गया, ये आपका डी ई हो गया। अब यहाँ से जब आप लोग इसको सी एफ डी हो गया, अब यहाँ से सॉल्व करें तो सी अपान में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा और ये हो जाएगा ई अपान में एफ हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर हम टू मान लेंगे। तो समीकरण एक बराबर समीकरण दो कर दें, तो सी अपान डी इधर भी आ रहा है, सी अपान डी इधर भी आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ए अपान बी इक्वल टू ई अपान एफ। अब यहां से इसको क्रॉस करा दें तो ये क्या हो जाएगा, ए एफ इक्वल टू बी ई हो जाएगा, ई एफ इक्वल टू बी ई। अब यहां से जरा देखिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, ये आपका ए एफ आ जाता और ये डी ई आ जाता, यानी कि इस चीज को ये प्रूव कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा और यहां पर ये हो जाएगा कि ये संक्रमक संबंध है, क्या है, संक्रमक की ये कंडीशन थी, संक्रमक संबंध। तो जब ये तीनों चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, संक्रमक
यानी कि पहली कंडीशन आपकी हो गई, सेकंड कंडीशन जब हो जाती है और थर्ड कंडीशन, ये तीनों कंडीशंस आपकी जो प्रूव हो जाती हैं तो ये तुल्यता संबंध हो जाता है। क्या हो जाता है? तुल्यता संबंध हो जाता है। ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। यदि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय S में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R यानी कि रिलेशन क्रमित युग्म A इज लेस देन B एंड इक्वल टू B, तो दिखाइए कि R स्वतुल्य व संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। ये दो चीज़ें आपको दिखानी है। तो यहाँ पर दिया गया है रिलेशन R A, ये क्रमित युग्म सच दैट बी, ये चीज दी गई है। ए ए बिलोंग्स टू आर, ए ए बिलोंग्स टू आर। अब यहां पर देखिए ये आपकी और फॉर ऑल, और यहां पर है ए ए बिलोंग्स टू आर, और यहां पर है फॉर ऑल, और उसके बाद में ए बिलोंग्स टू एस, ये समुच्चय जो दिया गया है ये दिया गया है। तो आपको प्रूव करना है, ये आपकी परिभाषा से हम लोगों ने निकाला है यहाँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अब यहाँ पर ए बी दिया गया है और ये ए इज ग्रेटर देन बी, तो हम देखिए यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी दिया गया है और इक्वल टू बी दिया गया है। तो यहाँ से हम ये चीज़ कर सकते हैं कि ए और ए यहाँ पर क्या है, दोनों एक जगह पर हम रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको इसको बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से भी बन सकता है। ए ए भी हम कर सकते हैं इसमें, और ए ए बी बी रख सकते हैं, ये कंडीशन हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर ए ए जो है वो क्या हो जाएगा, वो बिलोंग करेगा आर में। तो ये कंडीशन किसकी है, ये स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि आपको संक्रमक, यहाँ पर क्या कहा इसने, आर स्वतुल्य है और संक्रमक भी है, सम्मित नहीं है, ये चीज़ आपको प्रूव करना है। तो सेकंड पॉइंट जब हम लेंगे इसका, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से होगा, ए बी इस परिभाषा से ए बी बिलोंग्स टू आर, और फिर होता है बी ए बिलोंग्स टू आर, ये भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दिया गया है ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, लेकिन यहाँ पर अगर हम ये चीज़ करें, दिस इम्प्लाइज दैट, अगर हम ये करें कि बी इज लेस देन ए, तो ये चीज इम्पॉसिबल है। ये चीज क्या है, इम्पॉसिबल है। यहाँ पर हम एक मान से समझ सकते हैं, माना अगर हमने ले लिया है ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू क्या ले लिया है, 5 ले लिया है। इससे अगर हम लोग समझें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हमने 3 कर दिया इज ग्रेटर देन 5, तो हम ये चीज यहाँ पर नहीं कर सकते कि 5 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये क्या है, ये सममित संबंध नहीं होगा, यहाँ पर ये सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। अब अगर इसके तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट, तीसरे पॉइंट की बात करें, तो क्या हो जाएगा, ये आपका है ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया, और फिर बी सी बिलोंग्स टू आर, तब क्या होना चाहिए, तब ए बिलोंग ए सी बिलोंग्स टू आर, ये आपका होना चाहिए, तब आपका ये संक्रमक संबंध हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमने बिंदु जो लिए हैं, मान लिया है ए और तीन, ए और बी का, तो यहाँ पर अगर हम उसको करें तो 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग करें इसको, और यहाँ पर अगर 3 लेस देन ये कर दिया है, अब अगर एक पॉइंट ले लेते हैं और वहाँ पर हम कर दें ए सी की जगह पर, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर अगर हम ये चीज़ करें 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6, ये कर दें, तो यहाँ पर अगर हमने बिंदु ले लिए, ए का मान 3 ले लिया, बी का मान 5 ले लिया, और सी का मान हमने क्या ले लिया, 6 ले लिया, ये चीज़ ले लिया है। तो ये चीज़ जब हमने लिया है, तो इसका अब यहाँ पर देखना है कि ये जो है इससे संबंध है कि नहीं इसका,
इसका जो है संबंध जो है, इसका जो है इससे संबंध बन रहा है। यहाँ से देख लीजिए, ए सी जो है यहाँ पर ए बी और बी सी, ए बी और बी सी ये सब ले लिया, ए सी जो है बिलोंग कर रहा है आर में, तो थ्री इज ग्रेटर देन एल इक्वल टू सिक्स हो गया। तो यहाँ पर तीन जो है वो पाँच से क्या है, बड़ा है, और वो कभी उसके बराबर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर बराबर दिया गया है, लेकिन पाँच कभी तीन से छोटा नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी दिया गया है, तो इसलिए ये क्या है, संक्रमक संबंध आपका है, संक्रमक संबंध है, और संक्रमक संबंध है, तो ये क्या है, ये सतुल्यता को, सॉरी ये तुल्यता संबंध भी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय में ए रिलेशन बी से यदि ए की पावर बी इक्वल टू बी की पावर ए सतुल्य व सममित हैं। ये चीज़ आपको दिखाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, सतुल्य व सममित केवल दिखाना है आपको। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि ए रिलेशन है बी से, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर। तो ए बी बिलोंग्स टू जब आर करेंगे, तो इसकी पहली कंडीशन को प्रूव करना है, यानी कि सतुल्य को प्रूव करना है। तो यहाँ पर दिया गया है ए बी इज ए बी इक्वल टू बी की पावर ए। तो यहाँ पर ये चीज़ जब है, और ये क्या है, फॉर आल ए बिलोंग्स टू जेड, धन पूर्णांक है, तो ए की पावर बी इक्वल टू बी की पावर ए। तो यहाँ अब जब करेंगे ये कंडीशन, सॉरी यहाँ पर ए होती है, क्या होती है ए, और ये हमने जो लिया था वो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ये दिया है, ये चीज़ हमने लिया था, और ये होता है किसके लिए, परिभाषा से, सतुलता की परिभाषा से ये लिया हमने। तो ए की पावर बी इक्वल टू बी की पावर ए हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसके स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा बी की पावर ए इक्वल टू ए की पावर बी, ये भी कर सकते हैं। तो ये अब हो रहा है, यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर कर रहा है कि ये जो है आर जो है क्या है, वह सतुल्य है, वो क्या है, सतुल्य है, सतुल्य है। और सेकंड देना है कि सममित है इसके लिए। तो यहाँ पर इसका जो है परिभाषा से इसका होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर यही ये कंडीशन है, तो ये ए बी इक्वल टू बी ए है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं बी की पावर ए इक्वल टू ए बी, ये हो गया। तो जब ये चीज़ हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी कंडीशन ये थी और इसकी कंडीशन अब ये आ गई है, तो ये दोनों आपस में अगर हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, ये आपस में आपका बराबर है, तो आर क्या है, ये सममित है, आर आपका सममित है, और आपको केवल सतुल्य सममित है इसमें प्रूव करना था।